हेलो गाइस, वेलकम टू द अरेंज मीडिया। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में हाल ही में अभी कास्ट करा गया है। आप सब जानते हो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में 100 से ज्यादा कैरेक्टर हैं जो कि इन्फिनिटी वॉर में आधे से ज्यादा हाइड है और आधे से ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। इसलिए इस मूवी को दो पार्टों में बनाया गया है जिससे कि लोगों को स्टोरी आसानी से समझ में आ सके। तो इस कैरेक्टर को जो कास्ट करा गया है वो ऑलरेडी मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, यानी कि होरिके की बात कर रहा हूँ मैं। वो ऑलरेडी वुल्वरिन मूवी में आ चुके हैं। उन्होंने एक कैरेक्टर निभाया था जो कि अरबपति आदमी था और वो अपनी संपत्ति खोने से ज्यादा डरता था। तो ये कैरेक्टर काफी औसम था जो कि वुल्वरिन में अब खत्म हो चुका है, इसलिए मार्वल ने इन्हें अपनी मूवी में हिस्सा बनाने का फैसला करा है। तो इस मूवी में इन्हें क्या रोल मिलेगा ये ऐसा कुछ पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है, और ये अभी तक हाइड भी है। बट जो उम्मीद करी जा रही है वो है नामोर, यानी कि सबमरीन। तो इस मूवी में इनका ये रोल हो सकता है। ये सिर्फ थ्योरी है, एक फैन थ्योरी है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि ये सबमरीन का रोल कर सकते हैं। बट मार्वल जो कास्ट करता है वो बिल्कुल कॉमिक बुक जैसे कैरेक्टरों को कास्ट करता है जो कि बिल्कुल कैरेक्टर से मिलते जुलते हों। और इस चीज़ का रेफरेंस हमें ऑलरेडी आयरन मैन मूवी में मिल चुका है, जैसा कि बकांडा का मिला था जिसमें कि ब्लैक पैंथर निकला, ऐसे ही हमें सबमरीन यानी कि ओशन का मिला है। तो सबमरीन की ओरिजिनल कॉमिक बुक स्टोरी अपनी खुद की है, तो इसके पीछे कोई मूवी आ सकती है वो भी मार्वल फेस 4 के बाद। जैसा कि थैनोस काफी बड़ा है, लड़ने के लिए काफी तैयार है इन्फिनिटी वॉर में, तो ऐसे ही हमें एक कैरेक्टर चाहिए जो कि अपनी पूरी फौज के साथ थैनोस पे हमला कर सके। तो मे भी ये नामोर यानी कि सबमरीन हो सकता है। तो गाइस, अभी मूवी देख के तो पता चलेगा कौन सा कैरेक्टर बस। बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार लाइक एंड शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू मारो या स्पेल करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।